कि हमें समझना पहले यह है कि जो इकोनॉमिक डिजाइन है चाहे वो अमेरिका में है चाहे यूरोप में है चाहे वो भारत में जिसका पालन हो रहा है वो डिजाइन यही कहता है कि एग्रीकल्चर को खत्म करना है हमें ये समझना बहुत जरूरी है अब देखिए अमेरिका में किसान खत्म हो चुके हैं हार्डली दो परसेंट से पॉपुलेशन से कम रह गए हैं यूरोप में हर मिनट में एक किसान खेती छोड़कर जा रहा है और भारत में और चाइना में या डेवलपिंग कंट्रीज में अब सारा जोर है अभी आपको याद होगा रघुराम राजन साहब भी खुद कहते थे कि सबसे बड़ा रिफॉर्म भारत में तब होगा जब हम खेती से लोगों को निकालकर शहर में ला सकते हैं क्योंकि शहर में दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है ये हमें समझना है ये इकोनॉमिक पॉलिसी का डिजाइन है अगर आप नेशनल स्किल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 57 परसेंट से हमें पहले तो उन्होंने 18 परसेंट कहा था 18 परसेंट पे हम गांव की जो एग्रीकल्चर की जो पॉपुलेशन उस पर ले आएंगे फिर उन्होंने कहा अठतीस परसेंट पे आप आगे हैं फिफ्टी से अठतीस कर देंगे वो दो तक यानी ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है कि किसानों को खेती से बेदखल करना है शहरों में लेके आना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है जब हम ये जान जाते हैं तो उसके लिए जो पूरा इकोनॉमिक ढांचा बना जाता है अब जैसे बताया आपने पहले कि देखिए क्राइसिस है इतने सालों से किसान को इनकम नहीं मिल रही है जब हम दूसरे सेक्शन को देखते हैं मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ सिंपल सा 1970 में गेहूं का दाम छिहत्तर रुपये प्रति क्विंटल था जो 2015 यानी 45 साल के बाद बढ़कर 1450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया 2015 में उसी दौरान मैंने बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हाल देखा उनका क्या हुआ इनकम का मैं सिर्फ बेसिक पे और डीए ले रहा हूं उसी दौरान में 45 साल के पीरियड में सरकारी मुलाजिम की जो बेसिक पे और डीए है वो 120 से 150 गुना बढ़ गया और जो स्कूल टीचर्स की जो तनखा बड़ी है उस दौरान में वो 280 से 320 गुना बढ़ गई और जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं उनकी तनख्वाह 150 से 170 गुना बड़ी है उस 45 साल के पीरियड में किसान की जो इनकम है जो गेहूं के दाम से या धान के दाम से आप नापेंगे वो 19 गुना बढ़ती है अगर ये जितने सरकारी मुलाजमों की भी अगर इनकम 19 गुना बड़ी होती तो ये नौकरी छोड़ चुके होते आज तक प्रॉब्लम यह है कि किसान का हक क्या बनता है अगर हम 45 साल के बाद जब उसको 1450 रुपए मिले थे अगर मैं 100 गुना भी उसकी इनकम बाकी इनकम पैरिटी के नॉर्म से चलता हूं तो उनकी इनकम जो है या उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सात रुपए प्रति क्विंटल बनता था ये उनका हक है सात हजार छ सौ रुपए क्विंटल बढ़ता बनता था उनको मिला चौदह सौ पचास रुपए फिर ये कहा जाता साहब ये पैसा कहां से आएगा कभी आपने पूछा जब कॉर्पोरेट को पैसा दिया जाता है कहां से आएगा कभी आपने पूछा सातवां वेतन आयोग का पैसा कहां से आएगा सातवां वेतन आयोग जब सारे देश में फैलाया जाएगा अभी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो क्रेडिट स्विस बैंक की स्टडी कहती है चार लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए हर साल एडिशनल खर्चा होगा किसी ने नहीं पूछा कि पैसा कहां से आएगा किसी ने नहीं कहा कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा आप किसान को दो लाख रुपए दे दीजिए दो लाख करोड़ रुपए अनाउंस कर दीजिए साल का देंगे हाहाकार मच जाएगा इस देश में अरे ये पैसा व्यर्थ जा रहा है ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं ये सारा कुछ होगा फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा लेकिन इंप्लाइज के लिए किसी ने कहा फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा ये सारी इकोनॉमिक नीतियां हमें जानने की जरूरत है ये किस तरीके से डिजाइन बनाया गया है कि किसान को हम गरीब का गरीब ही रखें और ये पॉलिसीज कितने दशकों से चलती आ रही है सब सरकारें इसमें सम्मिलित हैं अब आपका जो सवाल था कि ये क्या कारण है इसका कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है बीच का रास्ता हम क्या ढूंढते हैं मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए जब आपका इनकम मिलती है सातवा वेतन आयोग मिलता है या किसी को भी अपनी इनकम मिलती है तो क्या कभी किसी ने सुना सोचा सुन, सुन, है कभी किसान को कभी हाउस रेंट मिला हो कभी एजुकेशन रेंट मिला हो कभी हेल्थ अलाउंस मिला हो कभी बच्चों के लिए मेडिकल मिला हो किसानों को क्यों ये क्या किसान नहीं क्या इस, सोसाइटी में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको इक्कीस हजार रुपए कपड़ा धोने के लिए मिलता है हर साल का डिफेंस वालों को बीस हजार मिलता है हर साल का कपड़ा धोने के लिए कपड़े धोने के लिए और वो लड़ाई कर रहे हैं आजकल के डिफेंस वाले कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट वालों को ज्यादा क्यों मिलता है हम तो बॉर्डर पे रहते हैं मेरा ये सवाल है क्या किसान के पास कपड़े नहीं होते धोने को कभी आपने सुना है कि किसान के कपड़े के लिए बीस हजार रुपए भी कभी उसमें ऐड किया गया हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या करते हैं हम जो उसकी लागत लगती है और फैमिली लेबर जो लगती है उसको जोड़ लेते हैं बस यही और और अभी तो इंप्लाइज के लिए एक सौ भी होते हैं अभी तो तनख्वाह और डीए के बाद एक अलाउंस मिलते हैं जिस जिस भी सज्जन को एक अलाउंस मिलते हैं उसको तनख्वाह की क्या जोड़ते हैं मुझे ये बता दीजिए लेकिन अगर मिलते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलने चाहिए लेकिन क्या किसान ने क्या गलत किया है कि उसको नहीं मिलते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कभी किसान के एमएसपी में हाउस रेंट जोड़ा गया है कभी उसका मेडिकल अलाउंस अलाउंस जोड़ा जोड़ा गया गया है है कभी उसके बच्चों के लिए एजुकेशन क्यों क्या उसने बच्चे नहीं पालने हम ये क्यों मान के चलते हैं कि किसान तो हमारे देश के ऊपर बोझ है इसके ऊपर हम दान कर रहे हैं आप दान नहीं कर रहे हैं आप उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं आप किसान को निचोड़ रहे हैं और उसी के साथ आपकी अर्थव्यवस्था चलती है यह अर्थव्यवस्था के जब तक हम ढांचे को नहीं देखेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि किसान को मार इतने सालों से क्यों पड़ रही है क्या